संगठन के अंतर्गत जो पार्टी का अनुसूचित मोर्चा है उसके प्रभारी समण जाति से हैं, गोविंद नारायण शुक्ला जो पार्टी के महामंत्री हैं, जबकि दूसरी तरफ दलित वर्ग से भी महामंत्री हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, यह संगठन के व्यवस्था का एक हिस्सा है और हम सब की मान्यता है कि सवर्ण, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के आधार पर हम फैसले नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ संगठनात्मक एक व्यवस्था है, अनुसूचित मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, पिछड़ा मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है। अब ऐसी संगठनात्मक व्यवस्था में काम की दृष्टि से, उनको सहयोग की दृष्टि से कोई भी अच्छा कार्यकर्ता उसका प्रभारी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अनुसूचित मोर्चे का प्रभारी जो है या संगठनात्मक दृष्टि से उसको देखने वाला अनुसूचित ही होगा, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। और स्वाभाविक रूप से हमारी योजना सबका साथ सबके विकास का है, और जब हम अल्पसंख्यक मोर्चा भी चलाते हैं, हम अनुसूचित मोर्चा भी चलाते हैं, इस दृष्टि से चलाते हैं कि उनके बीच में कार्यकर्ताओं की जो कठिनाइयाँ हैं, उनके बीच में पार्टी की जो नीतियाँ हैं, हम उनकी कठिनाइयों को दूर करते हुए पार्टी के किए गए कामों को अनुसूचित वर्ग में ले जाना और उसका प्रचार प्रसार करना, उसके लिए सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी लगाए जाते हैं, जो पार्टी की बैठकों में योजना रचना बना के उसको